अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे फूड कस्टर्ड, ये बहुत डिलीशियस बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो हमने क्या क्या लिया है। आधा लीटर दूध लिया हमने इसको बनाने के लिए, और इस प्याली में हमने ठंडा दूध रखा है एक प्याली। 4 चम्मच हमने शक्कर ली है, और ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया हमने। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उसका लीजिए। 4 चम्मच फुल भर कर लेंगे हम। 2 एप्पल हमने यहाँ पर कट करके रखे हुए, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी है, 4 चीकू है, और 3 बनाना देख सकते हो, और ग्रीन वाले अंगूर है। एक प्याली भर कर लेंगे हम, इसको कट करना है अभी। और ब्लैक वाले भी है यहाँ पर अंगूर, ये भी एक प्याली भर कर लेंगे हम, इसको भी कट कर लेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दूध हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूध में अच्छे से बॉईल आने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हो दूध में बॉईल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर शक्कर ऐड कर देंगे। 4 चम्मच ली थी हमने फुल भर कर। शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो शक्कर हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, फिर भी आप शक्कर आप आपके हिसाब से लीजिएगा, आप किस तरह से मीठा पसंद करते हो वो हिसाब से। ये भी परफेक्ट है 4 चम्मच। अभी हमको एक हाथ से इस तरह से हिलाते जाना है, और एक हाथ से थोड़ा थोड़ा करके हमको इसके अंदर ऐड करते जाना है, एक साथ में ऐड नहीं करना है। गैस हमारा मीडियम फ्लेम पर ही है। सभी ऐड कर दिया हमने। तो बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, आप देख लीजिए इसमें कोई भी लम्स आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से एक हाथ से डालते जाना है और एक हाथ से मिक्स करते जाना है इसको। अभी हम इसको 4-5 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, इसका कच्चापन जाने तक, और ये और भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर इसको पकते हुए। इस तरह से इसको लगातार हमको चलाना ही है इस तरह से, और ये एकदम परफेक्ट है। आप ये भी देख लीजिए, इसका टेक्सचर इसी तरह का रहना चाहिए, तभी आपका फूड कस्टर्ड एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से चम्मच को हम घुमा लेंगे, तो इस तरह से चम्मच के ऊपर लगा हुआ रहना चाहिए, तो आप समझ जाइए परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है इस तरह से। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे इसी के अंदर, तब तक हम फ्रूट कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, और फ्रूट्स भी हमने सभी कट कर लिए। देख लीजिए आप, एक एक प्याली लिया हमने, ये हमने खाली बॉल ले लिया है, बॉल में हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। अभी हम इसके अंदर फ्रूट ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक एक प्याली भर कर लिया है, और 2-2 पीसेस में अंगूर को कट किया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए फ्रूट्स। इस तरह से हमने ये वाले अंगूर भी कट किए। चीकू हमने इस तरह से कट किए। गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे हम सभी फ्रूट थोड़ा थोड़ा। स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हो सभी फ्रूट डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसका टेक्सचर देख सकते हो आप, इसी तरह का रहना चाहिए, तभी ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, इस तरह के लिए ठंडा ठंडा ही सर्व करना है।
तभी ये टेस्टी लगता है। ये लीजिए बनकर तैयार है फूड कस्टर्ड, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। देखा ना आपने कितना इजी है इसको बनाना, तो ये उतना ही डिलीशियस लगता है खाने में, बहुत बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो थोड़े से हमने फ्रूट से ऊपर से गार्निशिंग की है, अभी हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए, इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारे रेसिपीज की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।